हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और बातें कुछ इस कदर हुई कि आज हमसे किसी ने ये प्रश्न पूछ दिया कि जिंदगी क्या है। तो दोस्त, आप अपना भी व्यू जरूर बताइएगा। तो फिर मैंने ये कहा, जिंदगी एक खूबसूरत सा तोहफा है। जिंदगी एक खूबसूरत सा तोहफा है जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। पीछे जो चीज़ें हुई उससे सीखना चाहिए। एंड वी शुड जस्ट कीप ग्रोइंग बिकॉज आप जिंदा किसी मकसद के लिए हो। हम और आप जिंदा क्यों हैं? किसी ना किसी मकसद के लिए हैं। आपको अपना मकसद ढूंढना चाहिए। हम सब लोग गम लेके बैठ जाते हैं। हम आप सभी, हमारे सोसाइटी में, हमारे अगल बगल किसी के साथ कुछ भी होता है तो वो गम लेके हम सब क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम वो गम लेके बैठ जाएं या फिर हम आगे बढ़ें। तो फिर हमें आगे ही बढ़ना चाहिए तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए और नए एक्सपीरियंस हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और नए एक्सपीरियंस गेदर करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, उसको आप क्या करो, गेदर करो। ठीक, एक्सप्लोर करना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए। जिंदगी में ट्रेवल करना भी बहुत जरूरी होता है। एक्सप्लोर करिए, ट्रेवल करिए। ठीक है, और जिंदगी का सबसे मेन फलसफा है जिंदगी जीने का, कि आप जिंदगी में एक चीज जरूर सीखिए कि जिंदगी में आप माफ करना सीख लीजिए। इसलिए नहीं कि आप सामने वाले को माफ कर रहे हो कि वो इंसान है, वो माफी के लिए डिजर्व करता है, इसलिए आपको माफ नहीं करना है। आपको इसलिए माफ करना है कि आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको माफ करते हो तो आपको बहुत बहुत आप बता नहीं सकते हैं कितनी पीस मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। गुड बाय।